नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे लेबर एंड इट्स स्टेजेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, इसका मतलब ये है कि आपने 9 मंथ्स अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है और आप डिलीवरी के बहुत पास हो, तो इसलिए आप ये टॉक देख रहे हो। सो डोंट बी वरीड अबाउट इट। अब ये टॉक तो आपको हेल्प करने के लिए है, डराने के लिए नहीं है। तो इसीलिए हम थोड़ी बहुत जानकारी लेबर के बारे में आपको बताना चाहते हैं, ताकि आपको आपके प्रोसेस में इजी रहेगा। फर्स्टली हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको चेक करके बताया है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक अच्छे कैंडिडेट है, सो डोंट वरी, आप फेथ रखिए आपके डॉक्टर पे एंड अपने आप पे एंड प्रकृति पे, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एनीवे। सामान्य प्रसव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आपके शरीर को प्रसव की लय के अनुरूप काम करने की अनुमति देती है। आपके डॉक्टर की सिफारिश आपके स्वास्थ्य इतिहास, बच्चे की स्थिति और अन्य व्यक्तिगत कारकों पर आधारित है। याद रखें, आपका शरीर जानता है कि यह कैसे करना है। प्रक्रिया पर भरोसा करना और शांत रहना किसी भी आशंका को कम करने में मदद कर सकता है। याद रखें, प्रत्येक महिला की यात्रा अनोखी होती है। अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन पर भरोसा करें और सूचित रहें। अब लेबर इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब फर्स्ट स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, क्योंकि इसमें अधिकतर मेहनत पेशेंट का ही होता है। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है? द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन्स एंड द डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। सो ट्रू लेबर पेन्स का क्या मतलब है और उसको ट्रू क्यों बोलते हैं? क्योंकि झूठा दर्द भी तोड़ता है। ट्रू लेबर पेन्स और फॉल्स लेबर पेन्स में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? अगर आपको दर्द रुक रुक के होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है, मतलब जैसे आपको 30 मिनट में एक दर्द आया, आपने उसको टाइम किया, वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए था, फिर 30 मिनट में 2 या 3 दर्द शुरू हो गए, बट वो भी कुछ सेकंड के लिए, फिर धीरे धीरे 10 मिनट में एक दर्द आया, फिर 10 मिनट में 2 दर्द आया, ऐसे ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको ट्रू लेबर पेन्स शुरू हुआ है। अब आप इसको टाइम करिए। टाइम कैसे करेंगे? टाइम आप मोबाइल में जो टाइमर होता है या सेकंड्स के वॉच से आप टाइम कर सकते हैं। मोबाइल का टाइमर ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने सेकंड्स के लिए दर्द आ रहा है। अब ट्रू लेबर पेन्स, अगर आप लेटोगे, अगर आप चलोगे, दर्द कम नहीं होता है, वो अपनी स्पीड से ही बढ़ता जाता है। दैट्स हाउ यू नो इट इज ट्रू लेबर पेन्स। असली प्रसवी दर्द किस प्रकार पहचाने? प्रसवी दर्द का स्थान सामान्यतः पीठ की तरफ से शुरू होता है और पेट की ओर आता है। असली प्रसव के समय पानी की थैली टूट सकती है, जिससे आपको अमनियोटिक तरल का एहसास हो सकता है। अगर आपको संदेह हो या चिंता हो, तो हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रदाता से संपर्क करना एक अच्छा विचार है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज फ्रॉम ट्रू लेबर पेन्स टू द फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। अब बच्चेदानी का मुंह जो होता है, जब वो कम्प्लीटली ओपन होता है, तभी वो बेबी डिलीवर होता है और डिलीवर होना चाहिए। तो उस तक का जो सफ़र होता है, उसको हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। जब हम डिलीवरी के लिए तैयार होते हैं, हम इतना जो रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च इसलिए होता है ताकि हमसे कोई गलती ना हो, ताकि हम सब कुछ सही करें। एंड आप अपने रिसर्च पे, अपने एक्सरसाइजेस पे आप विश्वास रखिए कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये पूरे प्रोसेस के दौरान आपका एक साथी होना चाहिए। वो जो साथी हैं, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, जो आपके साथ प्रेगनेंसी के एक्सरसाइजेस, प्रेगनेंसी के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सब आपके साथ ये प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप लेबर में जाए, तो वही जो आपका फ्रेंड है या आपके रिश्तेदार है, वो आपके साथ लेबर के दौरान आपके साथ दे। आशा है कि इंट्रोडक्टरी टॉक लेबर पे आपको अच्छा लगा। आप प्लीज़
अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप जरूर हमारे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जरूर देखें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। वॉच आवर अदर वीडियो ऑन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन।